गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू इंडियन मॉमी स्टूडियो। तो आज है ट्यूजडे, तो ये ट्यूजडे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले क्लास से लौटने के बाद मैंने यहाँ पर मशीन लगा दी है, तो मैं सारे ब्लैक कलर के कपड़े आज मशीन में वॉश करने वाली हूँ। तो मैं कुछ ऐसे ही करती हूँ, किसी दिन सारे वाइट और लाइट कलर के कपड़े वॉश कर दिए, किसी दिन डार्क कलर के कर दिए। तो इसी तरीके से डेली एक बार तो घर में मशीन लगती ही लगती है। और मैंने सर्फ के लिए ना एक मेज़रमेंट टाइप ऑफ कप ले रखा है, बस उसी कप के अकॉर्डिंग मैं सर्फ इसमें ऐड कर देती हूँ, तो डेली कम और ज़्यादा का चक्कर नहीं रहता और एक परफेक्ट मेजरमेंट होने की वजह से ज़्यादा सर्फ भी नहीं खर्च होता है। तो यहाँ पर मशीन लग चुकी है। अभी मैं कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई थी अपने साथ, कुछ मटर और कुछ मेथी। तो ये मेथी काटनी है और मटर को छील के रखना है, क्योंकि मैं इसे मटर को अक्सर स्टोर करके रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर सुबह सुबह कहते हैं ग्रोफर से सामान भी आ गया है, तो ग्रोफर से पूरा मंथली ग्रॉसरी मंगाई है मैंने, तो वो मॉर्निंग में ही डिलीवर करके चले गए थे। काफ़ी सारा सामान है इसमें ज़रूरी, और काफ़ी दिन से इन सामान की मुझे ज़रूरत पड़ रही थी। तो इसी के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो बहुत सारे काम एक साथ लाइंड अप रहते हैं। तो फिलहाल अपने और प्रशांत के लिए मैं बनाने वाली हूँ पनीर सैंडविच, चिली पनीर काइंड ऑफ सैंडविच है ये। और इसकी रेसिपी मैं पहले भी अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इसमें पनीर के कुछ पीसेज होते हैं, कैप्सिकम होता है और अनियन, और ये सारे चीज़ें मैंने पहले सॉटे करके उसमें फिर रेड चिली फ्लेक्स मिला के, थोड़ा सा ऑरिगेनो मिला के, तो इसी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद ये एक फिलिंग तैयार हो गई है, और जिसे मैं ब्रेड के बीच में स्टफ़ करके सैंडविच बना रही हूँ। ये सैंडविच प्रशांत और मेरे और कशिश हम तीनों के ही फेवरेट है, तो एक एक सैंडविच बना लिया है मैंने अपने और प्रशांत के लिए, और यहाँ पर मैंने इसे सैंडविच मेकर में भी लगा दिया है। इसमें एक टाइम में 4 सैंडविच बन जाते हैं। अक्सर आप लोग इस सैंडविच मेकर के बारे में पूछते रहते हैं, तो ये बजाज का है, इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। बहुत ही हेल्पफुल है, डेली मॉर्निंग में काम में आता है लगभग। और हाँ, यहाँ पर 2 ब्रेड भी मैंने लगा दिए, क्योंकि इसी बीच में हाउस हेल्पर भी घर पर आ गई थी आंटी, तो उनके लिए भी मैंने 2 ब्रेड बना दिए चाय के साथ, और बटर लगाकर मैं उनको दे दूँगी। और अपने लिए मैंने सैंडविच रेडी कर लिए, एक्चुअली इतना मटेरियल बचा नहीं था, वरना मैं उनके लिए भी सैंडविच बना देती। Trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up, it shoots me down. At this point, I would rather be numb. I'm sick and tired of emotions. They've never done me any good. Just tore me up. पूरा का पूरा जेल खत्म हो गया है, एलोवेरा जेल। ये कितने ग्राम था? हाँ, 200 ml, ये 200 ml था और पूरा का पूरा खत्म हो गया। लेकिन मैंने 7 to 8 months चला लिया है लगातार, तो अच्छा काम कर गया। और कुछ बचा नहीं है, इसको फेंक देती हूँ, नया मंगाऊंगी अमेज़न से। तो सुबह मैंने थोड़ी सी भिंडी की सब्जी बनाई थी लंच बॉक्स के लिए, और अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत थोड़ी सी भिंडी पड़ी थी, तो वो बस वो बना दी थी मैंने मॉर्निंग के टाइम पे लंच बॉक्स के लिए। तो अभी लंच के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी वाली डिश बनाने वाली हूँ, जो कि विंटर में बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो शावर तो ले ही लिया है, और कहते हैं हेयर वॉश भी करे आज मैंने, तो बस भगवान जी का पहले दिया जलाऊंगी और उसके बाद वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, काफ़ी अच्छी लगती है विंटर टाइम में खाने में, मज़ा बहुत आता है उसे खाने में। गरम गरम सर्व करोगे ना, और भी अच्छी लगती है। और आज पता है बहुत सारा सामान आ गया है मेरा, राशन का, राशन पूरा खत्म हो गया था। मैं बहुत कम राशन में ना
वो ज़ारा चला रही थी इस बार, मेरे पास राशन बिल्कुल नहीं था। मतलब इस टाइम ऐसा हालत हो गई थी कि आंटी कुछ भी मांगती थी, जैसे कि डिश वॉशिंग सोप देना रीमा, तो वो खत्म था, तो मैं जाके मार्केट से थोड़ा सा ले आई, जैसे छोटे वाले पाउच नहीं आते हैं, क्योंकि जब आप होलसेल पे खरीदते हो तो चीज़ों के प्राइस जो है वो तो आपको रीजनेबल पड़ जाते हैं, और अगर ऐसी शॉप से लेकर आते हो तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन मतलब बड़े बड़े जो पैकेट्स हैं वो आप होलसेल से ही खरीदो तो ही बेहतर रहता है। तो ये वाली बात है, तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि फ्लोर क्लीनर भी नहीं था घर में। एक वीक से आंटी ऐसे ही बस घर में पोछा लगा रही थी पानी से, और बस मैं कुछ बूंदे उसमें एसेंशियल ऑयल की डाल देती थी, कभी रोज की डाल दी, कभी किसी की डाल दी, तो थोड़ी फ्रेग्रेंस आ रही थी, लेकिन वो होता है ना जम्स वगैरह, वो सब के लिए कुछ नहीं यूज कर रही थी। तो राशन बिल्कुल खत्म हो गया था, जैसे तैसे गुजारा चल रहा था इस टाइम। और पता है, वैसे तो मैं हमेशा मंथ के स्टार्टिंग में ही मंगा लेती हूँ राशन, लेकिन इस बार टाइम ही नहीं मिला, वो भी राशन का सामान भी मुझे अरेंज करना होगा, लेकिन वो सब बाद में करूंगी, पहले तो लंच प्रिपेयर करूंगी। बाल थोड़े गीले हैं और मैं इस टाइम कॉम नहीं करना चाह रही, तो बस फिंगर की हेल्प से ऐसे से कर रही हूँ, तो उसी में ठीक हो जाएंगे। तो बस अब दुनिया आगे बढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद खाना बनाएंगे। तो पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और अभी जो मटर छिली हुई हैं उनको बस अब बॉक्स में भर के उन्हें स्टोर कर दूंगी फ्रीज में। तो ये मटर काफ़ी सारी चीज़ों में काम में आती रहती है, पूरी सर्दियों उसका काफ़ी यूज़ रहता है, चाहे आप गाजर मटर आलू बना लो, चाहे गोभी मटर बना लो, या मटर आलू की सिंपल सब्जी बना लो, मेथी मटर बना लो, तो बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ हैं जिनमें मटर का बहुत सारा यूज़ रहता है। मैं जवों में भी मटर डाल के बनाती हूँ, वो भी बहुत यम्मी लगते हैं। तो पूरे विंटर जो मटर है अगर वो छिली हुई फ्रीज में रखी रहती है ना, तो फ्रेश मटर का मजा ही अलग होता है। तो हाँ, लंच में मैं क्या बना रही हूँ अब आपको बताती हूँ। पूजा कर आ गई हूँ मैं, और मेथी यहाँ पर कटी हुई है, तो मैं बनाने वाली हूँ मेथी से एक बहुत अच्छी वाली सब्जी, जो कि विंटर में बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इसके साथ में यूज करूंगी कॉर्न का, तो मैं बनाने वाली हूँ मेथी मलाई कॉर्न बनाने वाली हूँ मैं, और इसके साथ गर्मा गर्म रोटियां, तो बस मजा ही आ जाएगा। आजकल है सुनने में इतना यम्मी लग रहा है ना, कि खाने में मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा यम्मी होगा। तो जब भी विंटर आते हैं तो उस टाइम पे कॉर्न भी बहुत ज्यादा मिलता है, मेथी भी बहुत ज्यादा मिलती है, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जब ये वाली सब्जी तैयार करोगे तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें कम से कम 2 से 3 बार तो वॉश करना ही पड़ता है, क्योंकि उनमें बहुत सारी मिट्टी निकलती है, और आज तो मुझे परात में ही इन्हें क्लीन करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी पानी मैं सिंक में नहीं डाल सकती, क्योंकि सिंक की जो नाली है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है, सुबह सुबह सारा पानी निकल कर पाइप से पूरी किचन में फैल रहा था, काफ़ी गंदगी भी फैल गई थी जिसकी वजह से, और सुबह सुबह काम भी बहुत सारा बढ़ गया था। अभी इसमें मैंने ड्रेन जो क्लीनर करके एक पैकेट आता है वो मैंने डाल रखा है, तो उसको आधा 1.5 घंटे के लिए ऐसी छोड़ के रखूंगी जिससे कि नाली पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। तो अभी ऐसी परात में करके साफ कर रही हूँ और पानी जाके बाहर बालकनी में फेंक रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने काजू और कुछ मेलन सीड्स ले लिए हैं, तो इनको ना मैं गर्म पानी में भिगोकर रखने वाली हूँ, इनको आधा घंटा के करीब ऐसी भिगोकर छोड़ देना है, क्योंकि ये मेरी अभी रेसिपी में काम में आने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, 2 प्याज ले लिए हैं, थोड़ी ग्रीन चिली ले ली है, गार्लिक ले लिया है, जिंजर ले लिया है। यहाँ पर मैंने प्याज को भी चॉप कर लेना है और साथ में टमाटर को भी मैं चॉप कर लूँगी। तो टमाटर और प्याज मैं दोनों ही चॉप करके इस सब्जी में डालने वाली हूँ। कुछ लोग मिक्सी में पीस के उसका फाइन पेस्ट बनाते हैं, लेकिन मुझे ये चॉप वाली प्याज उसके साथ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेथी भी बारीक बारीक चॉप होती है, और इसके साथ साथ प्याज और टमाटर भी अगर उसमें चॉप करा हुआ डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। Think about me.
आज की जो रेसिपी है मेथी मलाई कॉर्न, ये मैं देसी घी में बनाने वाली हूँ। ये काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। जब आपके घर पे कभी मेहमान आए आप इसे बनाकर खिलाइएगा, उनको बहुत पसंद आएगी क्योंकि रेगुलर डिशेस से थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी में जीरा डाल लिया है, मैं इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने वाली हूँ। आप भी इसे घर पर बनाइएगा और इसके फोटो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर सकते हो, और साथ में ही आप अपने कहते हैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आपको बनाने के बाद कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो इसके लिए मैंने पहले जिंजर डाल दिया था, फिर गार्लिक डाल दिया, फिर ग्रीन चिली डाल ली और फिर उनको हल्का सा चला लिया। उसके बाद जो मैंने चॉप करी हुई अनियन रखी हुई थी वो भी मैंने इसी के साथ डाल दी है। अब मैं इसको अच्छे से सॉटे करूँगी जब तक ये ब्राउन कलर में टर्न ना हो जाए। अब इसी के साथ मैं इसमें चॉप करे हुए टमाटर भी ऐड कर रही हूँ और वो भी मैं अच्छे से अब इसके साथ मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें एक चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ जिसमें दोनों मिक्स हैं, कश्मीरी लाल मिर्च और देगी मिर्च, यानी कि तीखापन और कलर ये दोनों चीज़ें इससे आएंगी। हालांकि ये वाइट ग्रेवी वाली सब्जी है, मैं आगे चलकर दिखाऊंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश चॉप करी हुई मेथी। इस टाइम जो सीज़न चल रहा है उस टाइम ग्रीन वेजिटेबल्स भर भर कर मार्केट में मिल रही हैं, चाहे फिर वो मेथी हो, बथुआ हो, पालक हो, मूली का साग हो, सरसों का साग हो, ये सब कुछ मार्केट में बहुत आराम से मिल रहा है। तो ये परफेक्ट सीज़न है इन सब वेजिटेबल्स को इंजॉय करने का। इनमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, बच्चों की आई साइट के लिए तो बहुत ही अच्छी रहती है। मेथी में ना थोड़ा कड़वापन रहता है, तो इसकी वजह से इसमें पहले ही मैं थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ और इससे थोड़ा कड़वापन कम हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि हल्दी ऐड करी है, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, वो ऑलरेडी ऐड कर दिया था, अभी इसमें गर्म मसाला ऐड करा है और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इन सारे मसालों को मिलाकर मैं थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। तो कभी कभी ग्रीन वेजिटेबल डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आप इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर सकते हैं। हींग से इसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और डाइजेशन में भी इजी रहेगा। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढककर अच्छे से पकाऊंगी और उसके बाद मैंने खोलकर चेक कर लेना है। तो इस टाइम मेथी भी इस टाइम गल चुकी है और अब मैं इसमें कॉर्न ऐड कर दूंगी। तो कॉर्न ऑलरेडी बॉयल्ड हैं, तो ज़्यादा देर अब हम इसे ढककर नहीं पकाएंगे, बस थोड़ी देर और ढकेंगे जिससे कि कॉर्न और मेथी और मसाले सारे एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं और उनका फ्लेवर अच्छे से आए। तो अभी मेथी कॉर्न और मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर वाइट पेस्ट डालने वाली हूँ जो कि मैंने तैयार किया था काजू और मेलन सीड से। तो ये मैंने इसके साथ मिक्स कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी जो है थोड़ा सा वाइट कलर में टर्न आउट हो गई है, तो इसीलिए मैं बोल रही थी इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी वाइट कलर की बनेगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं यहाँ पर आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आपको पसंद तो आने ही वाली है। इसी के साथ साथ मैंने आधा कटोरी के करीब इसमें फ्रेश मलाई भी ऐड कर दी है, तो इसीलिए इसका नाम है मेथी मलाई कॉर्न, क्योंकि इसमें मलाई का भी यूज़ हुआ है प्लस इसमें वाइट वाला जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाला है, जिससे इसके अंदर बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाता है जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी रिच ग्रेवी वाली रेसिपी है जो कि मेहमानों के लिए परफेक्ट है और वीकेंड पर आप भी इंजॉय कर सकते हो। इसके बाद इसे थोड़ी देर ढककर पकाना है जब तक इसमें थोड़ा सा घी ना छूट जाए। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट करके देखा था इसमें नमक कम था, तो आप भी चेक कर सकते हो इस टाइम पर। अभी इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब किचन किंग मसाला डाला है जो कि टोटली ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो आप ऐड करिए, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हो। मेरे को इसका फ्लेवर इसके साथ अच्छा लगता है इसीलिए मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं करीब से भी दिखा रही हूँ आपको कैसी बनी है मेथी मलाई कॉर्न, और आप खुद ही देख सकते हो कि कितनी यम्मी लग रही है, मुझे तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो पीछे मेरी मेथी मलाई कॉर्न बनके तैयार हो गई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और रंग भी बहुत अच्छा आया है, जैसा मैं चाहती थी मलाई वाली रेसिपीज का आना चाहिए वैसा ही रंग भी आया है।
बहुत ही यम्मी लग रही है गाइस, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है क्योंकि मैं ऑलरेडी टेस्ट करके देख चुकी हूँ। मुझे नमक चेक करना था, एक्चुअली इसमें कभी कभी नमक कम हो जाता है मुझसे, तो नमक मैंने चेक करके देख लिया, दोबारा मुझे बढ़ाना पड़ा इनफैक्ट, लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अब आप चाहो तो उस पर सर्व करते समय भी थोड़ी सी मलाई डाल सकते हो, लेकिन ये सो सब जब गेस्ट आते हैं तब हम लोग ज़्यादा करते हैं इस टाइप की डेकोरेशन, या फिर कभी सैटरडे संडे का लंच या डिनर बना रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है कि चलो प्रेजेंटेशन रखते हैं, फैमिली मेम्बर्स को अच्छी लगेगी, डेली रूटीन की लाइफ में क्या करना। तो मैंने मलाई इसी के साथ मिक्स कर दी थी सारी मलाई, और ये मलाई मैं 2 दिन से इकट्ठी कर रही थी तो काफ़ी अच्छी मलाई हो गई थी, उसमें दूध भी था थोड़ा सा, तो बहुत ही अच्छा लगा था। और आटा तो सुबह का लगा हुआ है ही, बल्कि मैं अभी नहीं बना के रख रही, जब वो आएगी ना मैं तभी उसे गरम गरम रोटियां खिलाऊंगी, क्योंकि गरम गरम रोटियों की बात ही अलग होती है, और खासतौर से विंटर सीजन में जब बच्चों को गरम गरम खाना देते हो ना तो बच्चे जरा मन से खाते हैं थोड़ा सा, तो अभी तो उसे आने में काफी टाइम है। तो खाना बनाते बनाते एक कोरियर भी आया है, अभी आपको दिखाती हूँ। प्रशांत बहुत खुश होने वाले हैं इसको देखकर, क्योंकि वो बहुत परेशान थे, मुझसे कहीं ज़्यादा परेशान थे एक्चुअली। हमारे मैट्रेस अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बैक में पेन रह रहा था, और कभी कभी तो प्रशांत कशिश के बेडरूम में जाकर सो जाते थे इसी वजह से, और कशिश मेरे साथ, कि उनको जो बहुत बैक में ना पेन स्टार्ट हो गया था। और कशिश के बेडरूम में जो हम मैट्रेस यूज़ कर रहे हैं ना, वही सेम कंपनी के हम लोगों ने मैट्रेस मंगाए हैं, तो ये डिलीवर हुआ है अभी जस्ट। तो ये है फ्लो मैट्रेस, और तो ये मैट्रेस हम लोगों ने अपने बेडरूम के लिए मंगाए हैं, पहले कशिश के बेडरूम के लिए मंगाकर हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, और कशिश को काफ़ी पसंद है अपने वाले मैट्रेस, तो हमने सोचा कि हम भी अपने लिए मंगा लेते हैं। तो अभी जब प्रशांत घर आएंगे तो सबसे पहले मुझे पता है इसकी अनपैकिंग ही करने वाले हैं, क्योंकि वो एक और दिन अपने वाले मैट्रेस पर सोना नहीं चाहते। और जब मैं 10-12 दिन इसको यूज़ कर लूँगी ना, तब मैं आपके साथ ऑनेस्ट इसका रिव्यू भी शेयर कर दूँगी कि मुझे कैसे लगे, पहले से टेस्ट एंड ट्राई करूँगी। और अपने पुराने वाले जो मैट्रेस है मैं पहले अभी उन्हें OLX पे लगाऊँगी सेल होने के लिए, लेकिन अभी नहीं लगा रही हूँ, अभी मैं उन्हें कुछ दिन रखूँगी, पहले ये देखूँगी कि ये कितना मतलब हमारे लिए कम्फर्टेबल है, क्योंकि प्रशांत को कम्फर्ट चाहिए रात में सोते टाइम, और अगर वो कम्फर्ट उन्हें इसमें नहीं मिला तो फिर कोई बात ही नहीं जमेगी। तो इसीलिए मैं पुराने वाले मैट्रेस तब तक नहीं निकालूंगी जब तक ये हमारे लिए कंफर्टेबल ना हो। तो अभी कशिश भी स्कूल से घर आ गई है, तो मैं बस उसके लिए गर्मा गर्म खाना प्रिपेयर कर देती हूँ। कशिश चेंज कर लिया, बना दो फिर गर्मा गर्म चपाती तेरे लिए। तो मैंने क्या बनाया ये नहीं देखोगी? आज मैंने क्या बनाया है कशिश के लिए? पहले तो ये बताओ तुमने मेरी चीटिंग करी है? मुझे पहने हुए देखा, खुद भी पहनकर आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये लाई थी सरोजी नगर से। मैं भी ये लाई थी सरोजी नगर से। जी नहीं, मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए, तुम तो नहीं। तुम तो खाना क्या है? देखो हम कशिश का वाला पजामा मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा तो मैंने पिंक शर्ट पहना, अच्छा लग रहा है। और ये दोनों पजामे मैं सरोजिनी नगर से लाई थी संडे में, बाय द वे आज ट्यूसडे है। ये बना। वाह ये क्या है? ये मेथी वाला है ना? हाँ मलाई मेथी मलाई कॉर्न। वो बहुत दिन वाला है ये तो हमने। मैंने कहा था ना कशिश देख के खुश होने। बहुत टेस्टी लगता है, मैं जल्दी दे दूँ जो भी है। इसके साथ मैंने सोचा था गरम गरम रोटी बनाते हैं। स्लीपर्स कहाँ है? स्लीपर्स वो भी वहाँ ही रख लिया। स्लीपर्स ओ माई गॉड, कुछ खरीदो मत खरीदो सरोजिनी नगर या कहीं और से, जहां भी आपके घर के पास ये वाली स्लीपर्स मिल रही हो ना यार, ले आओ अपने लिए, बहुत अच्छी है। मतलब मैं 2-3 दिन से लगातार कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, वरना पता है ठंडे हो जाते थे पैर, और इतने गर्म रहते हैं ना इसमें पैर, मजा आ जाता है, पैर निकालने का मन तक नहीं करता इसमें से, ऐसा लगता है कि इसी को बस पहने पहने दुनिया के सारे काम कर लो। नहीं है मेरे पास। तुम्हारे मैंने उसमें रख दिए थे शू रैक में, तुम सुबह उतार के चली गई थी ना, तो मैंने शू रैक में रख दिया। शू रैक में मत रखो, गंदे हो जाएंगे। तो फिर तुम्हारे रूम में रख दिया करूं? हाँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक चीज, रुको सब लोग। रुको मतलब वो कहाँ जा रहे हैं? कोई कहीं नहीं जा रहा। ये देखो ये सब लोग मेरी पूरी वीडियो देखते हो ना, आप सब मेरी पूरी वीडियो देखते हो ना। ये क्या तरीका होता है किसी को दिखाने का? अच्छा मैं दिखा देती हूँ। ये बनी है ना,
अच्छा तू ये दिखाना चाह रही है? हाँ, क्या दिखाना चाह रही है? ये बनी बनी है। हाँ हाँ, बनी बनी। अच्छा मतलब पजामे पर भी बनी बना हुआ है और उस पे भी बनी, पर भी बनी। चलो मम्मी को काम करने दो। तो दो तीन दिन से आप लोग नोटिस कर रहे होंगे मैं खाना बनाते समय वॉइस ओवर कर रही हूँ। सही है, वही ठीक है। दो चार दिन मैं ऐसे ही वॉइस ओवर करूंगी। मुझे वॉइस ओवर करना वैसे भी अच्छा लगता है जब मैं खाना वाना बना रही होती हूँ। उस टाइम अक्सर मैं अपनी रेसिपीज जो है वो वॉइस ओवर में ही शेयर करती हूँ। क्या होता है अगर सॉक्स पहनती हूँ ना, बट सॉक्स बहुत जल्दी रग हो जाते हैं, रन डाउन हो जाते हैं। बट ये एटलीस्ट गंदे बहुत होते हैं नीचे से, और फिर उनको डेली वॉश करो, और विंटर में फिर वॉश करो, सुखाओ, ये सब का अलग वो है। मुझे विंटर बहुत अच्छा लगता है। मेरे सारे सीजन में सबसे ज्यादा फेवरेट जो सीजन है वो है विंटर। मतलब ये वाला जो टाइम चल रहा है ना, दिसंबर जनवरी वाला, ये मेरे लिए फेवरेट है। लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी भी मेरी फेवरेट नहीं है। मुझे याद है जब हम लोग न्यूयॉर्क में रहते थे तब -21 डिग्री तक पहुंच जाता था, और बर्फ गिरती थी इतनी 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 बर्फ में। मतलब मैं उस टाइम वहाँ पे ना, मैं कभी भी खाली नहीं बैठी हूँ अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ मेरी एक्टिविटी रही है। जब मैं यूट्यूब नहीं करती थी उससे पहले मैं क्या करती थी, अगर आप जानना चाहते हो तो आज बताती हूँ। मैं उससे पहले बच्चों को डांस सिखाती थी। तो मैं, हम लोग न्यू जर्सी में रहते थे, न्यूयॉर्क के पास ही है ये जगह, तो न्यू जर्सी में हम लोग रहते थे। वहां पर मैं डांस सिखाती थी बच्चों को। कशिश के ही फ्रेंड्स थे, कशिश की एज के, तो वो एक ग्रुप था जो मुझसे डांस सीखने आता था। ऐसे दो तीन ग्रुप थे जो मेरे से डांस सीखने के लिए आते थे। डांस तो आपको पता है मुझे कितना शौक है बचपन से। डांस ही एक ऐसी हॉबी है जो मेरी कभी नहीं छूटी है। अगर वो छूटी तो समझ लो कि मुझे कुछ, मेरे अंदर कुछ खत्म हो गया है, ऐसे ऐसे समझ लीजिए। तो मैं डांस सिखाती थी, और पता है वो बच्चे इतनी इतनी बर्फ में डांस सीखने आते थे, याद है? मैं उनको घर तक छोड़ने जाती थी, क्योंकि वो कॉलोनी के ही थे। मुझे डांस करना पसंद था, मेरे फ्रेंड्स को डांस करना पसंद था, सीखना पसंद था। तो सबसे मैं बोलती थी मेरी मम्मी के पास जाओ, वो सिखा देंगी। हम लोग फिर ऐसी मजे मजे में परफॉर्मेंस भी करते थे। हाँ, परफॉर्मेंस भी होती थी बहुत सारी। बाद में मैंने, जब मैं शिफ्ट होने वाली थी इंडिया, उससे पहले मैंने एक दो परफॉर्मेंस यूट्यूब पे भी डाली थी, तब मैं यूट्यूब चैनल रन करने लगी थी। अच्छा लगता था। लेकिन मैं बताऊँ तो मेरे फ्रेंड्स को बहुत पसंद था आना फिर। और जब परफॉर्मेंस जो होता था उस दिन मम्मी फ्रेंच फ्राइज या पिज्जा या बर्गर, मैं पता है एक दिन मैं क्या करती थी, पूरे मंथ उनको डांस सिखाती थी एक या दो गानों पे। और जब उनके गाने तैयार हो जाते थे उसके बाद मैं उनके फैमिली मेंबर्स को बुलाकर उनकी ना परफॉर्मेंस करती थी। और उस परफॉर्मेंस वाले दिन मैं बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाती थी या मार्केट से मंगाती थी। जैसे पिज्जा हुआ, कभी बर्गर हुआ, चाउमीन हुए, नूडल्स क्या कहते हैं वो, पास्ता हुआ, ये सब मैं उनको खिलाती थी। बच्चे इतने खुश हो जाते थे, साथ में उनके पेरेंट्स। मतलब वो मुझे आज भी मैसेज कर करके लिखते हैं कि रीमा हम आपको बहुत मिस करते हैं, और खासतौर से बच्चे। कशिश, हाँ मम्मा, ये लो अपना खाना लेके जाओ। यम यम डम डम, खाना लेके जाओ मैडम और खाओ अच्छे से खाना, कुछ भी छोड़ना मत। हमेशा खाना छोड़ती हो, हमने देखा है तुझे छोड़ते हुए। कुछ भी तू कोई वीडियो क्यों नहीं डाल रही है इतने दिनों से कशिश? अब डालूंगी ना, बाकी करनी होगी। बहुत टेस्टी बनाया मम्मी। क्या इसका नाम बताओ पहले पूरा, तब मैं समझूंगी तुम्हें। मलाई मेथी कॉर्न। हाँ, कुछ भी बोल सकते हो, कॉर्न मेथी मलाई, कुछ लोग बोलते हैं मेथी मलाई कॉर्न। मैं बताती हूँ इसे क्या बोलते हैं, मलाई मेथी कॉर्न, कुछ भी बोल दो। अब पूरी सर्दियों मैं यही सब बना बना कर खाने वाली हूँ, और यही सब आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ। ओके।
अभी हो गई है शाम, लेकिन आजकल शाम और रात में अंतर ही पता लगना बंद हो गया है। जैसी शाम होती है वैसे ही रात दिखने लगती है, तो दिन कब छिप जाता है पता ही नहीं चलता और रात कब हो जाती है वो भी नहीं मालूम पड़ता। दिन आजकल बहुत छोटे हो गए हैं और रातें काफ़ी लंबी लंबी हो गई हैं। तो यहाँ पर जो ग्रॉसरी का सामान आया था अब मैं इसे अरेंज करूँगी। दिन भर कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। हम लेडीज़ के पास कभी ना ख़त्म होने वाले काम की हमेशा लिस्ट तैयार रहती है। तो यहाँ पर ग्रॉसरी मुझे अरेंज करनी है। थोड़ा सा आलस भी आ रहा है लेकिन करना तो पड़ेगा। जब तक ग्रॉसरी नहीं आई थी तब तक मैं टेंशन ले रही थी कि ग्रॉसरी नहीं आई है, और जब आ गई है तो इसे लगाने की भी एक टेंशन है। चलिए फिर इसे लगा लेते हैं। यहाँ पर ग्रॉसरी रखने के लिए और एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए ये कुछ ड्रम है जो कि मेरी शादी के ड्रम है, मम्मी ने दिए थे मुझे शादी में। तो उन ड्रम में मैं ये सामान भरकर रख देती हूँ, क्योंकि किचन में तो मेरे ज़्यादा ड्रॉर्स नहीं है, तो कहाँ से अरेंज करूँगी, किस तरीके से अरेंज करूँगी, तो वो एक बड़ा कारण हो जाता है कभी कभी। तो इस वजह से ये जो ड्रम है बहुत अच्छे से काम में आते हैं। जब भी मैंने कभी, और शिफ्टिंग वगैरह भी जब भी मैंने कभी करी है, तब भी ये ड्रम बहुत काम में आए हैं। और इन ड्रम में अच्छे से सामान स्टोर हो जाता है। ऐसे 3 और 4 ड्रम है मेरे पास जिसमें भर के अपना सामान रख देती हूँ, और जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो इसी में से ढूंढ लेती हूँ। और जो डेली वाले चीज़ें होती हैं जैसे दालें हुई, चीनी हुई, उनके लिए मैंने अलग छोटे छोटे बॉक्स बना रखे हैं। कोई कोई दिन होता है ना जिस दिन आपके पास बहुत सारा काम होता है, तो वो आज वाला दिन था जिस दिन सुबह से ही बहुत सारा काम था। 5:20 की मैं जगी हुई हूँ, थोड़ा सा भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिला है। इस टाइम बहुत अच्छे वाली जो कहते हैं ना थकान हुई हुई है, बस मन कर रहा है कि जैसे तैसे एक सामान लगे और मैं जाके थोड़ी देर रेस्ट करूं। मतलब मैं सोच रही थी कि कभी कभी हम लोग भी ना समझ नहीं पाते, मतलब जब तक राशन नहीं आया था तब तक मैं ये टेंशन में थी कि राशन नहीं आया, इस महीने का राशन नहीं आया है, और इतनी तारीख बढ़ गई है, 1-2 तारीख में राशन आ जाना चाहिए। और राशन महीने के एंड तक राशन पूरा खत्म हो गया था इस बार, क्योंकि हम लोग 2 महीने में राशन रिफिल करते हैं, लगभग 2 महीने में। मतलब बार बार भागना ना पड़े, तो इस चक्कर में कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हर महीने मंगाने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो 2 महीने चल जाती हैं आराम से। तो जब तक राशन नहीं आया था तब तक मैं गई थी, राशन खत्म हो गया है यार, कैसे कुछ काम चलाऊंगी, इतने कम राशन में कैसे गुजारा करूं, इतने कम राशन में जाकर चलो ना चलो ना। और जब राशन आ गया है तो अब इसे लगाने की टेंशन ले ली मैंने। मतलब काम तो सच में बहुत सारे हैं करने के लिए घर में। तो अभी राशन वगैरह जो था सब मैंने जगह पे सेट कर दिया है। किचन पूरी क्लीन हो गई है, सारे बर्तन जो आंटी धो के गई थी वो भी मैंने जगह पे रख दिए, पूरा गैस वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है। तो अब लग रहा है सेटिस्फेक्शन, काम थोड़ा ज़्यादा था लेकिन हो गया, फिलहाल सारा काम ख़त्म हो गया है। तो बस अब शाम की चाय बनाऊँगी, गर्मा गर्म चाय पीने के बाद फिर से थोड़ा एडिटिंग पर बैठूंगी, क्योंकि आधी एडिटिंग हुई है आधी अभी भी बची है। तो चलिए मैं इस व्लॉग को अभी यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं मिलूंगी अब आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय गाइस।